बड़ी कठिन डगर है इस समय बॉलीवुड की। न कोई इनकी सुनना चाहता है, न कोई इनकी फिल्में देखना चाहता है। ऊपर से सुधरने के बजाय इस उद्योग के कलाकार ऊटपटांग बयाने देकर अपनी ही लंका लगाने का पूर्ण प्रबंध करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या बॉलीवुड का विनाश सुनिश्चित मान ले? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उद्योग कोई भी हो, सबका फॉर्मूला एक ही होता है, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा उन उपायों से जो अब भी बॉलीवुड की नैया पार लगा सकता है, पर जिनके लिए प्रोड्यूसरों को स्वयं मोर्चा संभालना होगा। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपको फिल्म उद्योग को समझना है तो फिल्म उद्योग के अर्थ को भी समझना पड़ेगा, यानी फिल्म के अर्थशास्त्र को। और पिछले कुछ दिनों में, यानी कुछ माह में जो भी कुछ घटित हुआ है, उसके अनुसार ये विश्लेषण और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यूं समझिए, प्रॉफिट दिखता है तो कोई भी झुकता है। विगत कुछ दिनों में या माह में आपने दो बातें तो पक्की देखी होंगी, बॉलीवुड के पतन और बहुभाषीय सिनेमा का उद्भव और उसकी ताबड़तोड़ सफलता। परंतु इसके पीछे का जो गूढ़ अर्थशास्त्र, जो सिस्टम, जो नेटवर्क है, उसे समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब जो परिवर्तन भारतीय सिनेमा में होने वाला है वह काफी कुछ बदलेगा, निर्माताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए, निर्देशकों के लिए, लेखकों के लिए, यहां तक कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। इस कथा की उत्पत्ति होती है 60 के दशक से। तब टिकट खिड़की ही तय करती थी कि आपकी फिल्म की औकात क्या है, शहीद हो या शोले। आप सिनेमा के सम्राट तभी बन सकते थे जब आपके टिकट की खिड़की पर हाउसफुल का पदक आपको मिल जाए, और उस पर आपको सिल्वर जुबली या प्लैटिनम जुबली मिलना आज के समय में 100 करोड़ या 1000 करोड़ के क्लब से कम नहीं होता था। उस समय ना सैटेलाइट थे ना मल्टीप्लेक्स, और OTT और विकल्पों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तब लोगों के पास एक ही विकल्प था, सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर। आज आप गेटी, गैलेक्सी, ओडियन, प्लाजा जैसे बड़े बड़े सिनेमा घरों की बात सुनते हैं ना, इन्हीं से नींव स्थापित हुई थी एक प्रणाली की, डिस्ट्रीब्यूटरशिप की। डिस्ट्रीब्यूटरशिप माने क्या? स्पष्ट शब्दों में फिल्मों का वितरण, अधिक सरल शब्दों में बोले तो फिल्मों का बिचौलिया। यह एक विशेष फूड चेन समान है जिसमें नींव समान है स्क्रिप्ट, यानी लेखक, जिसके पट कथा के आधार पर फिल्म बननी है। इसके ऊपर आता है फिल्म का प्रोडक्शन या कास्टिंग एजेंसी या प्रमोशन कंपनी, जिनसे कथा को स्क्रीन पर चित्रित करने हेतु संपर्क साधा जाता है। इनके साथ फिल्म का क्रू भी होता है, जिसमें कास्टिंग क्रू से लेकर अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। इनके बीच में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जिनका काम है फिल्म को वितरित करना, और इनकी भूमिका किसी भी फिल्म को ऊपर ले जाने या नीचे पटकने में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। फिर आते हैं अभिनय करने वाले कलाकार एवं फिल्म को निर्देशित करने वाले, और सबसे ऊपर होते हैं फिल्म को निर्मित करने वाले, यानी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के आदेश पर ही फिल्म का सारा खेल चलता है, और कभी कभी तो स्वयं फिल्म के अभिनेता ही फिल्म के प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं। अब ये तो हुई फिल्म को चलाने वालों की बात, परंतु प्रश्न तो अब भी व्याप्त है, इनका वर्तमान परिस्थितियों से क्या वास्ता? जैसे कि पूर्व में बताया, आपने दो बातों पर ध्यान अवश्य दिया होगा, बॉलीवुड का पतन और बहुभाषीय सिनेमा का उद्भव। तो प्रश्न ये उठा कि इसका असर आर्थिक रूप से बॉलीवुड पर कैसे पड़ा। अब मानते हैं कि आप एक बावर्ची को देखेंगे, केशव, जिसकी विशेषज्ञता ऐसी है कि वह गांव के धनुआ से लेकर मेट्रो के डैनी तक को अपने व्यंजनों से आकर्षित कर दे। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा बावर्ची है KD, जो केवल अति धनाढ्य एडम जैसे लोगों की पसंद के पकवान ही पेश करे और वही पकवान सब पर थोपने का प्रयास करे। अब बताइए, अधिक लोकप्रिय कौन होगा, केशव या KD? यही अंतर है आज के बहुभाषीय सिनेमा और बॉलीवुड में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। विश्वास नहीं होता तो आप अनुराग कश्यप के बयान पर ही ध्यान दीजिए। अनुराग कश्यप का मानना है कि बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में है और पनीर पर GST लगा है, और इन बातों से ध्यान भटकाने के लिए बॉयकॉट अभियान चलाया जा रहा है। चलो मान लिया, वैसे ऐसा मानसिक दिवालियापन मानना नहीं चाहिए, पर मान लिया।
परंतु द कश्मीर फाइल, सीतारामम, भूल भुलैया 2, कार्तिकेय 2, विक्रम, 777 चार्ली और रॉकेटरी की सफलता के बारे में क्या कहेंगे? इनमें से कई के बजट तो आपके फिल्म के बजट से भी काफी कम थे, कई तो 25 करोड़ के बजट के आसपास भी नहीं रहे होंगे, और कई तो ऐसे समय पर प्रदर्शित हुई जब अनुराग कश्यप के शब्दों में महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी। फिर भी इन सब ने ना केवल अपना मूल बजट रिकवर किया अपितु भारत और भारतीयता का मान भी रखा, और कईयों ने तो 100, 200, यहां तक कि 300 करोड़ का रिकॉर्ड भी लांघते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो बॉलीवुड के निर्माताओं को ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे वे लगातार असफलताओं के इस कुचक्र को तोड़ सके? बहुत ही सरल है, प्रारंभ से आरंभ हो। बॉलीवुड को सर्वप्रथम यह स्वीकारना ही होगा कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। यही जनता उन्हें सराखों पर बिठा सकती है और यही जनता उन्हें जमीन पर पटक भी सकती है। ये बात शायद अजय देवगन और कार्तिक आर्यन से बेहतर कोई नहीं जानते। जिस ओर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे धूल चाटते हुए दिखाई दे रहे, उस समय ये दोनों अभिनेता न केवल मनोरंजक फिल्में प्रदान करते आ रहे हैं अपितु मूल संस्कृति से भी समझौता नहीं करते, चाहे वो फिल्मी स्तर पर हो या निजी स्तर पर। रनवे 34 एक अपवाद थी, परंतु लोग ये भी भूलते हैं कि अजय देवगन ने इस वर्ष देश के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर में से एक रौद्रम रणम रुद्रम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कम से कम एक बॉलीवुड अभिनेता के कद के अनुसार छोटा तो कतई नहीं था। और कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 2 के बारे में तो अभी हमने चर्चा भी नहीं की है। अब दूसरी ओर जब कोई शमशेरा या लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म हफ्तों पहले अनेकों स्क्रीन पर डेरा डलवा दे, तो ना चाहते हुए भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अनेकों स्क्रीन लुटाने पड़ते हैं योग्य फिल्म जाए तेल लेने। परंतु जब फिल्म को लेने के देने पड़ जाए तो वितरकों और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों का ख्याल रखा जाए, इस बात की गारंटी कौन देगा? अब संजय दत्त और करण मल्होत्रा जैसे लोगों ने छाती ठोक के तो बोल दिया कि जनता का शमशेरा के प्रति क्रोध उन्हें स्वीकार नहीं, परंतु निरंतर घटिया पे घटिया फिल्में देते रहेंगे और बाकी लोगों के मेहनत का पैसा डकारेंगे तो लोग आपकी आरती तो नहीं उतारेंगे ना। यही से उत्पन्न होता है बॉयकॉट अभियान, जिसने आज एक ऐसा भीषण रूप धारण कर लिया है जिसे बॉलीवुड को संभालते नहीं बन रहा है। बॉलीवुड को लगता है कि ये अनुचित है, ये अंध विरोध है, परंतु आप कब तक सत्य से मुंह फेरते रहोगे?